लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम समझती रही। और दूसरी बात, आई सोए मुझे नहीं पता था कि राबी खाला और तुम्हारे बाबा की शादी होने वाली है। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं था। मुझे यकीन है आपकी बात। बड़ी देर कर दी मेरे बात आते आते। मोहित शुजा, ये सारी वो नज़में और गज़लें हैं जो कभी हरीम ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी थी। औरत अपना पहला प्यार, पहली मोहब्बत और पहली चाहत कभी नहीं भूलती। कल भी उसके अल्फाज और ख्यालों पर मेरी इजारादारी थी और मुस्तकबिल में भी मैं ही उसके दिल पे हुकूमत करूंगा। देखो भाई, हमने तो अपनी नाराज कजन को मना ही लिया। एंड थैंक गॉड ये आज मुस्कुराती रही सारा दिन। उनको शॉपिंग भी करवाई, आइसक्रीम भी खिलाई, तो प्लीज इनसे नाराज मत होना कर। माहिया मैं तेरे ना। अरे भी मियाँ बीवी में 10 किस्म की बातें हो जाती हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना जरूरी होता है? इकलौता बेटा है मेरा, आप उसको किसी में क्यों शुमार कर रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब ना लें। शादी के बाद बेटे और बहू के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए जरूरी है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उनकी हर बात में दखलअंदाजी ना की जाए। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो खुद बता देंगे। देखा नहीं आपने कितने गुस्से में गया है। अच्छा, सुबह तक ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप भी ना बाज़ दफा अजीब और गरीब बातें करते हैं। अच्छा तो जाके पूछ लीजिए, बताता है तो। भाई क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कहीं पीसीबी से कॉल तो नहीं आई? क्रिकेट तो छोड़ दिया उन्हें रोमा, अब क्रिकेट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप सांस लेना छोड़ सकते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ सकते। रोमा, इंसान की जिंदगी में तरजीहात हमेशा वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ये आप कह रहे हैं? मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि क्रिकेट से ज्यादा जिंदगी के मैदान में खेलने का मजा। जरूर खेलें लेकिन लोगों के जज्बात से मत खेलो। अगर जिंदगी से जज्बात ही निकल जाए तो पीछे रह के जाते। वैसे ऐसा क्या करने लगे आप, मुझे भी तो पता चले। जल्दी किस बात की, बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुछ ऐसा वैसा मत कर दीजिएगा, पापा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पापा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, डोंट वरी। अच्छा प्लीज जल्दी से मेरे लिए कॉफी ला दो। जी मैंने कसम खाई है रीम, तुम्हें इसी घर में दोबारा वापस लेकर आऊंगा। तुम जब से मेरी जिंदगी से निकली हो हर लम्हा पछतावों के अंगारों में जलता हूँ। तुम्हें अपनाने के लिए मुझे जितने भी हरबे आजमाने पड़ेंगे मैं आजमाऊंगा। वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है। हरीम देखो, तुम्हारी पसंद की सारी शॉपिंग तुम्हें करवा तो दी है मैंने, अभी भी अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कितनी बुरी बात है। देखो भाई, हमने तो अपनी नाराज कजन को मना ही लिया। एंड थैंक गॉड ये आज मुस्कुराती रही सारा दिन। उनको शॉपिंग भी करवाई, आइसक्रीम भी खिलाई, तो प्लीज इनसे नाराज मत होना। मैं सोच भी नहीं सकता था रीम, तुम मेरे दिए गए एतमाद का इतना गलत इस्तेमाल करोगी। तुमने मॉम से कहा कि तुम अलीना के साथ शॉपिंग पर जा रही हो और वहां जाकर तुम अयान के साथ घूमती रही। तुम और अयान आखिर चाहते क्या हो? लगता है मैं तो गलती से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गया हूँ और अब तुम इस फैसले पर पछता रही हो। तभी तो अयान को मेरे सामने एक लफ्ज तक नहीं कहती। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे रीम, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं। मर्द औरत की हर चीज माफ कर सकता है लेकिन मोहब्बत के नाम पर बोले जाने वाले झूठ और बेवफाई नहीं। तेरी जो सपने थे पल भर में क्यों चूर हुए हो, तेरी सा
रिप्लाई तो जरूर करोगी हरीम, क्यों नहीं रिप्लाई करोगी? मोहब्बत जो करती है। तुम यहां क्या कर रही हो? मेरी बातें सुन रही हो? भाई आप क्या कर रहे हो? आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था ना उसको, अब क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? देखो रोमा, तुम मेरे मामले में बात मत करो तो अच्छा। क्यों ना बोलूं मैं? जब आपका दिल चाहे आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें, ये सोचे बगैर कि उसने आपसे कितनी मोहब्बत की है। अगर आपको जरा सा भी एहसास होता ना, तो आज वो मोहित के साथ नहीं बल्कि आपके साथ होती। आज मैं जो भी कुछ बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा, मगर आपने जज्बात में आके जो गलत फैसले किए उसके जिम्मेदार भी अब आप खुद ही हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि उस मासूम का घर खराब मत करें, और रेहान भाई वो अपनी जिंदगी में खुश है, आप प्लीज उससे दूर हो जाएं। और जहाँ तक आपकी मोहब्बत की बात है, जो कुछ आपने उसके साथ किया, क्या आपको लगता है कि अब भी वो आपसे मोहब्बत करती है? गलत फहमी है ये आपकी। और रेहान भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उनकी जिंदगी से दूर ही रहें तो अच्छा। रोमा तुम फिलहाल यहाँ से जाओ। मैं सिर्फ आपके लिए कॉफी लेके आई थी, मुझे कोई शौक भी नहीं है इस टॉपिक पे बार बार आपसे बात करने का, लेकिन मैं उसके साथ बुरा होते हुए भी नहीं देख सकती। मोहित आज फिर बगैर नाश्ता किए चला गया ऑफिस। वो चले गए ऑफिस? क्यों बेटा, तुम्हें बताकर नहीं गया ऑफिस? नहीं आंटी, वो मैं सो रही थी। जाओ बेटा, जाओ जाके नाश्ता कर। नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है और मैं कैंपस के लिए लेट भी हो रही हूँ। लो ये क्या तरीका हुआ, मोहित भी बगैर नाश्ता किए ऑफिस चला गया और तुम भी ऐसे ही जा रही हो। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, नाश्ता करके जाना। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा, जाओ पहले नाश्ता करो, फिर ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा। जी। लगता किसी अंधे ने टाइपिंग की है, 36 गलतियां टाइपिंग की, अंदर पता नहीं कितने ब्लंडर होंगे। सॉरी सर। सॉरी? आपने काम करना है तो सही तरह कीजिए, वरना किसी डफर आदमी की इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। उठाइए इसको और इंसानों की तरह आंखें खोल के टाइप करके लाइए, एक गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया इतना आग बगोला? नाश्ते में करेले का जूस भी किया है क्या? दिमाग खराब कर दिया यार इन डफर्स ने। Take it easy, क्यों हो गया तुझे यार, रिलैक्स कर। लगता है कोई पूछने वाला नहीं है इनको यार, एक दो काम चोरों को निकालूंगा बाकी खुद ही ठीक हो जाएंगे। किस तरीके से बात कर रहा है, क्यों हो गया? क्या पिएगा, कॉफी या चाय? कॉफी छोड़ो और जूस ऑर्डर करो, अपने लिए भी और मेरे लिए। दो फ्रेश जूस भेज दीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अयान आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो तो हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन ये मोहित भाई को क्या हो गया है? पता नहीं, उन्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा।
मैं समझ सकती हूँ यार, लेकिन मोहित को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जिस तरह की सिचुएशन तुम बता रही हो उसमें तो हर शख्स ये समझेगा, लेकिन उन्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। देखो हरी, अभी तुम लोगों की शादी को दिन ही कितने हुए। बंदा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारता है तब जाकर एक दूसरे की बात समझने लगता है। अच्छा तुम कहो तो मैं बात करूँ मोहित भाई से। नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम रोमा और अपने मामू से बात करो और उन्हें आयान की घटिया हरकतों के बारे में बताओ। वो लोग ही हैंडल कर सकते हैं आयान को। मामू बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो तो पहले हर वक्त आयान से नाराज रहते हैं। तो तुमने ठेका थोड़ी उठा रखा है उसे बचाने का। मेरे ख्याल से तो तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए वरना आयान तुम्हारा घर खराब कर देगा। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैं आज घर जाके रोमा से बात करके देखती हूँ। हाँ जरूर, और मोहित भाई को थोड़ा प्यार से हैंडल करो, वो तुमसे ज्यादा खफा होंगे। हरीम, वक्त की नजाकत को समझो और समझदारी से काम, वो जरूर समझ जाएंगे। आखिर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने तुमसे शादी सोच समझ कर की है, उन्हें बस थोड़ा वक्त दो। अच्छा अब तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। लगता है आयान और हरीम के बीच में कुछ चल रहा है। उनका तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा जरूर चल रहा है। छोड़ के ना खुले यार, तू भी मुझे गलत समझ रहा है। हाँ एब्सोल्युटली, तू कह सकता है तेरे साथ नहीं हुआ है, तेरे साथ होता तो पूछता। तुम्हें आला दर्जे का बेवकूफ बना चुके हैं आयान। सोचने की बात यह, अगर हरीम भाभी को वो इतना ही पसंद तो वो खुला लेने क्यों गई अंकल हाशिम के पास? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मैरिड लाइफ बर्बाद करना चाहती है, और तुम ये बात समझ नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है यार, वो झूठ बोल के उसके साथ शॉपिंग पे जाती रही है। तो तुम कॉल कर लो अलीना को, अलीना भी तो उसी की दोस्त है यार, वो भी तो उसी को कवर अप करेगी। तुम अच्छा नहीं करे हरी भाविक से, तुम्हें किसी की बात सुन लेनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना यार, आगे बहुत बर्दाश्त कर चुका। I've had enough. फिर क्या सोचा, डिवोर्स हो गया उन्हें? इस बारे में अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। तो देर किस बात की, सोच तो ना, फिर तुम भी पछताते रहना अंकल मुस्तफा के पास। मेरी खैर है, हरीम तो खुश रहेगी। तो गॉड से मोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये जिंदगी है कोई फिल्म नहीं 3 घंटे की, जहां तुम इस किस्म की स्टूपिड कुर्बानियां देकर अमर हो जाओगे। I'm very sorry, लेकिन हरीम भाभी को तुम डिजर्व ही नहीं करते थे। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे शादी करी। सुनना दानियाल, ये क्या तरीका यार? हाँ तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है भाई, तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते हो अपने पापा से? आपको पता तो है वो किस स्टाइल में बात करते हैं, सर से लेके पांव तक इंसान को आग लग जाती है। हाँ तो ठीक है ना, फिर सुन लेना और खामोश रहना, इसलिए कि वो तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो आपकी बात पर क्यों नहीं यकीन कर रहे? मुझे क्या पता, उन्हें लग रहा होगा कि शायद मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ, वरना उस दिन वो ये बात क्यों कहते? बस मुझे जलील करना होगा और क्या। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, इस दफा अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं उनके साथ बिजनेस हरगिज नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा धमकियां मत दो मुझे। तुम बाप बेटे ने अच्छा काम पकड़ा हुआ है, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो, ये क्या मुसीबत है ये? अच्छा ठीक है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूं, लेकिन कम से कम आप मेरे साथ चलिए। मैं? जी आप। तुम्हारे पापा यही कहेंगे कि माँ को सिफारशी बना के ले आया। जो कुछ भी हो, मैं अकेला हरगिज नहीं जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं बार बार उनके हाथों बेइज्जती करवाने का। तो ठीक है फिर, अभी चलो। अभी? अच्छा जो होना होगा ना हो जाएगा, कम से कम ये लटकती हुई तलवार से तो जान छूटेगी। तो ऐसा ना हो कि उसी तलवार से हम दोनों के सर कलम कर दें और आप भी मेरे साथ मुफ्त में मारी जाएंगे। अल्लाह ना करे, ये कभी कभार कितनी फजूल बातें करते हो तुम। चलो अभी मेरे साथ आप जाइए, मैं अभी थोड़ी देर तक आता।
अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मोहित तुम्हें यूनिवर्सिटी से लेने नहीं गया? नहीं आंटी, वो बिजी होंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? उसका सेल फोन ऑफ है और वो लंच में भी नहीं आया। कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, और आजकल ऑफिस में वो नए प्रोजेक्ट पे भी तो काम चल रहा है उनका। लेकिन आज तक कभी उसने बिजनेस को सर पे सवार नहीं किया। हरीम? जी आंटी। बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? जी आंटी, बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं खाना लगवा दूँ, तुम आके खाना खा लो। आंटी वो मैंने अलीना के साथ यूनिवर्सिटी में ही खा लिया था, मैं बस रेस्ट करूँगी। तुम्हें आला दर्जे का बेवकूफ बना चुके हैं। सोचने की बात ये, अगर हरीम बाबी को इतना ही पसंद है तो वो खुला लेने क्यों भी हैं दरवाजा? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मैरिड लाइफ पर बात करना चाहते हैं, और तुम ये बात समझ नहीं रहे? फिर क्या सच? डिवोर्स हो गए? फिर क्या सच? डिवोर्स है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से समझ पा दिमाग खराब हो गया, और तुम ये बात समझ रहे हो? जिंदगी मेरे लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों बन गई? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी सुख की छांव में बैठने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ कर दोबारा तल्ख हकीकतों की धूप में क्यों ला खड़ा करता है मुझे? समझिए, हरीम बेबी के लिए पार्सल है। ठीक है, तुम जाओ। आयान अहमद, आयान अहमद, इसे हमारे घर का एड्रेस किसने बताया? ये ड्रेसेस इसने हरीम को क्यों भिजवाए हैं? हरीम ने उसे कहा? मोहित कहाँ रह गए थे तुम? मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ। ऑफिस में कुछ काम था। मोहित कम से कम तुम फोन तो ऑन रखा करो। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने दोपहर में कुछ खाया कि नहीं? जी नहीं मॉम, भूख नहीं थी। ये रातों रात तुम दोनों की भूख को क्या हो गया है? ना सुबह से उसने कुछ खाया है, ना तुम खा रहे हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं मॉम, बस कुछ मसरूफियात बढ़ गई। अच्छा ये हाथ में क्या है तुम्हारे? हरीम की कुछ चीज है। अच्छा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, और हाँ हरीम को भी साथ ले आओ। जब से यूनिवर्सिटी से आई है कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हरीम आज यूनिवर्सिटी गई थी? क्यों बेटा, उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था? नहीं ऐसे पूछ रहा था, आप प्लीज कॉफी बनवा दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा अगर तुम अयान के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। शॉपिंग जो तुम्हें अयान अहमद ने करी थी।
खोल, खोल कर देख लो हरी, तुम्हारी चीजें पूरी। आखिर इतने प्यार से आया ने मैंने तुम्हारे लिए बेचा। एक बात बताओ, अगर ये शख्स तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है तुम्हारी, तो उससे डाइवोर्स क्यों ली? ताकि आपसे शादी करके एक बार फिर जिंदगी के हाथों ख्वार हो सके। कैसी हो हरीम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुम्हें। मोहित बहुत अच्छा लड़का है। शायद मैं ही अच्छी लड़की नहीं। हरीम, क्या हुआ तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई को अपनी मोहब्बत समझना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी। इस गलती की सजा मुझे कब तक मिलती रहेगी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम्हारा भाई आखिर अपनी फजूल हरकतों से मेरा घर क्यों खराब करना चाहता है? भाई ने क्या किया है बताओ मुझे। उसने क्या नहीं किया रोमा, मेरा और मोहित का रिश्ता खराब करने के लिए झूठे बहतान लगाए हैं उसने मुझ पर। कभी कॉल्स करता है, कभी गिफ्ट्स भेजता है, कभी SMS। उससे मुझे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि वो चाहता क्या है आखिर। ओ माय गॉड, सॉरी हरीम, तुम टेंशन नहीं लो, मैं भाई से बात करती हूँ। उससे कहना खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा है ना, उसे इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। आई एम सॉरी हरी, अयान भाई ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारी माफ़ी से मेरा और मोहित का रिश्ता तो ठीक नहीं हो जाएगा ना, तो मुझे उस माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? ये आप अपने साहबजादे से ही पूछें। पापा बिल्कुल ठीक करते हैं जो आपको आपकी हद में रखते हैं। इतना बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ों वाली कोई बात है इनमें? आखिर हुआ क्या है मुझे तो बताओ। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पापा के पास जाऊं और जाके आपकी तमाम चीप हरकतों के बारे में बताऊं जो आजकल आप हरीम के साथ कर रहे हैं। हरीम के साथ क्या किया मैंने? अब ये भी आपको मैं ही बताऊं कि आपने क्या किया? आखिर कितने नफलों का सवाब मिलेगा आपको हरीम का घर खराब करके? बकवास ना करो मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो बताओ ये मामला क्या है आखिर? मामा, ये मोहित और हरीम के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए हर वो थर्ड क्लास हरबा इस्तेमाल करे जो एक चीप और कमज़ोर इंसान ही कर सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मामा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आयान का हरीम से अब क्या वास्ता है? मामा ये आप मुझसे नहीं अपने बेटे से पूछें। ये आजकल हरीम को कॉल्स, मैसेजेस और गिफ्ट्स भिजवा रहे हैं ताकि वो अपने खावन की नजरों में गिर जाए। क्या सबूत किया तुम्हारे पास, पागल हो तुम? अच्छा नहीं है ना कोई सबूत, इट्स ओके। अब मैं हरीम को ही कहूंगी कि वो डायरेक्टली पापा को सारी चीजें ईमेल करे, आपसे अब पापा ही निपटेंगे। रोमा रोमा, पापा को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे खुद बात कर लूंगी।
रोमा, रोमा, बेटा हो सकता है हरीम को कोई गलत फहमी हो। मामा आपको भाई के मुतालिक कोई खुश फहमी हुई? हरीम बिल्कुल ठीक बोल रही है। लेकिन अयान तो कह रहा था उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मोहित को ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मामा आप भाई की बातों पे यकीन कर सकते हैं पर मैं भाई की बातों पे यकीन नहीं कर सकती। लेकिन अयान को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? अच्छा ठीक है, फर्ज किया हरीम गलत बोल रही है, पर मेरे सामने जो भाई ने मोहित से बदतमीजी की थी क्या मैं भी गलत बोल रही हूँ? गॉड सेक मामा आप भाई को उनकी गलत बातों पे डिफेंड करना छोड़ दें। लेकिन अयान ऐसा क्यों करेगा, उससे क्या फायदा होगा इससे? क्योंकि भाई से उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही। शर्मिंदा करके रख दिया इस लड़के ने मुझको। मामा वो तो अच्छा हुआ कि हरीम ने मुझे कॉल कर दी, वरना ये बात अगर पापा तक पहुंच जाती आपको पता है घर में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। खुदा ना करे, अल्लाह अल्लाह करके तो अभी बाप बेटे के ताल्लुकात बेहतर हुए। मुझे तो लगता है मामा पापा ठीक ही कहते हैं, आपसे भाई की तरबियत में कोई कोताही हुई है। माना हर कोई अपने मामले में सेल्फिश होता है लेकिन भाई ने तो हद ही कर दी। अब क्या होगा रोमा, मुझे तो सख्त टेंशन हो रही है। आप भाई को समझाएं कि वो हरीम को तंग करना छोड़ दे, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है। मैं तो ये समझने से कासिर, जब हरीम उसके निकाह में थी तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराता था और अब अचानक से ये क्या भूत सवार हो गया उसके सर पे। जो भी भूत है ना मामा, आप भाई को क्यों इसे खुद ही उतार दें वरना बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। हरीम ने रोमा को कॉल करने की जरूरत कैसे की, पर उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? लगता कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मामा और रोमा दोनों को राजी करना होगा। खैर मोहित के तो 14 तबक रोशन कर दिए ना मैंने, इस बात की दिल को तसल्ली। यकीनन इस वक्त वो आग बगोला होकर अपनी बीवी पर बरस रहा होगा। अब मजा आएगा उसे हरीम से शादी करने का। मुझे देख कैसे मिला दी, ना वो रंग है ना वो रूप है, तेरी निगाह की आस में मैंने जिंदगी को गवा दिया। कभी तू भी आके देख ले। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? तुमने अयान के लिए लिखा है? मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप क्या सोचने लगे? दिमाग खराब हो गया मेरा, नफरत हो गई है तुम्हारी शायरी से। आज के बाद हरीम अगर मैंने तुम्हारे हाथ में ये डायरी या ये कलम देखा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। फजलदीन ये कहां मर गए सारे के सारे? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? इन्हें कह दीजिए कि मुझे ये स्टडी टेबल इस घर में अब नजर ना आए। तो बेटा हुआ क्या आखिर? मॉम प्लीज, मैंने कह दिया ना वो स्टडी टेबल अभी के अभी बाहर चाहिए इस घर से। मोहित, मोहित कहाँ जा रहे हो बेटा? हेलो दानिया, देखो मैं तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ तो तुम मेरे दिल में जो हो, जब मुझे पकारोगे तो कैसे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँ? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे हो तुम, सब ठीक है? जी जनाब सब ठीक भी है और बहुत अच्छा भी, क्योंकि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। गुड न्यूज? जल्दी बताओ क्या गुड न्यूज है।
सबर करो, इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं ना बाबा, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, बोलो क्या बात है? अरे बेसब्र लड़की, तुम वाकई में बहुत पागल। चलो सुनो, गुड न्यूज ये है कि क्यों तंग कर रहे हो दानियल, बताओ भी। अच्छा बाबा, गुड न्यूज ये है कि मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते की बात मामा से कर दी। क्या वाकई? वाकई। सोच भी नहीं सकते कि मोहित की बातों से कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे, कितना दिल दुखा है मेरा। मोहित ऐसा तो नहीं था, क्या हो गया है उसे? मेरा तो दुनिया के सारे मर्दों से एतबार ही उठ गया, सब एक जैसे ही होते हैं। मुझे लगता है मोहित ने आयान की बातों को बहुत सीरियस ले लिया है, और मुझे लगता है कि वो मुझसे शादी से पहले की बातों का बदला ले रहा है। ऐसा नहीं है हरीम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे पता है मुझसे शादी करके पछता रहा है। तुम्हें एक बार बैठकर उससे बात जरूर करनी चाहिए। हरगिज नहीं करूंगी, समझ के रखा हर किसी ने मुझे, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर मुझ पर बरसना शुरू हो जाता है। मेरी जिंदगी को अजाब बनाना है हर किसी ने। हरीम, तुम्हें तहमुल से काम लेना पड़ेगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। बिगड़ तो चुकी है, अब और कितनी बिगड़ेगी? तमाशा बनाकर रख दिया सबने मेरी जिंदगी का। अच्छा ना बाबा, रिलैक्स, मोहित की फीलिंग्स को समझने की कोशिश तो करो। इतना छोटा दिल था तो नहीं करनी चाहिए थी मुझसे शादी, आया क्यों मेरी जिंदगी में वापस? हरीम, तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अलीना, तुम भी हर वक्त उसी की साइड लेती रहती हो, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी बातों से भी। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? मोहित का बिहेवियर मेरी समझ से वाला तरह है, पता नहीं क्यों इतना जज्बाती हो गया। जज्बाती तो वो शुरू से ही था, हरीम से शादी ना होने की वजह से भी वो टेंशन में था, और अब शादी करके भी उसका यही हाल है। आपने हरीम से बात की? सच पूछे ना, तो मुझे तो बहू से बात करते भी शर्म आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि सारा कसूर मोहित का ही हो। अरे भाई, वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम सिचुएशन तो क्लियर हो जाती है। आप खुद बात करें ना मोहित से, उसने क्यों शाम में इतना हंगामा किया? घर नौकरों से भरा पड़ा है, क्या सोचते होंगे वो हमारे बारे में? अच्छा खैर ठीक है, थोड़ा सब्र से काम ले, मैं थोड़ा सोचता हूँ। आप सोचते ही रह जाइएगा, वहां चाहे मामला और बिगड़ जाए। अरे भाई कुछ नहीं होता, शुरू शुरू में आपस में इस तरह की लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो सब ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ मामला मुझे कुछ सीरियस लग रहा है। कहाँ मोहित हरीम की खुशी के लिए चीजें खरीदता फिरता था, अब उसका उन्हीं चीजों से दम घुट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा आप थोड़ा सब्र से काम लें, मैं सुबह बात करता हूँ मोहित से। अच्छा मुझे एक कप चाय तो पिलवा दें, बहुत सख्त सिर में दर्द हो रहा है। आप कुछ चाय ज्यादा नहीं पीने लग गए? किसी से कह दें बना के ला दें, अगर आपको इतना मुझे तुमसे कुछ बात करनी आ रही। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। आयान और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? मैं किसी आयान को नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ आपके और मेरे बीच चल रहा है वो ठीक नहीं है। अगर तुम आयान को नहीं जानती तो वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? उसके दिमाग की खराबी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम उसकी बीवी रही हो रही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा सिर्फ उससे निकाह हुआ था। आप चाहते क्या है आखिर मुझसे? मुझे लगता है आयान तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा, इसलिए तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। आपको लगता है मैं अब भी आयान के पास वापस जाना चाहती हूँ?
हाँ मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में खामखा आ गया हूँ, इसलिए अगर तुम अयान के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। था प्यार मेरा रब जैसा सच्चा, हर सांस मेरी था प्यार तेरा, तू क्यों छोड़ गया, क्यों तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सैयां हार गई मैं ते, सैयां क्यों तू हारी है, जीते तू मैं तेरे नाम। महिया आप मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं? सोच ले, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिले या नहीं। तुम अयान के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है, मैं तुम्हें रोकूंगा। बोलकर अपने एक्स हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर जा सकती है, उसके साथ फोन पर मैसेजिंग कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मैं ठीक लड़की हूं ही नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं हरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें दोबारा मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तू क्यों छोड़ गया, क्यों मुंह मोड़ गया। इश्क तेरे